नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अमन राजपूत। तो चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की। आज बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज रही। पूरे दिन बिहार में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। जी बिल्कुल, आज बिहार में लगातार सभी पार्टियों के कई दिग्गज नेता ने रैली की। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एनडीए गठबंधन के लिए रैली की और रैली में उन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों पर लगातार हमला बोला। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जो लोग एनडीए के खिलाफ हैं, जो पार्टियां एनडीए के खिलाफ हैं, वो कंट्री के, वो देश के ग्रोथ के खिलाफ हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष लगातार एमएसपी को लेकर किसानों को गुमराह करती रही और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करती रही। वहीं पीएम मोदी ने और कुछ कहा, क्या कुछ कहा अपनी रैलियों में, चलिए आपको आज के प्राइम मिनिस्टर मोदी के रैली से कुछ अंश दिखाते हैं। विरोधी दल जब किसानों के लिए कुछ कर नहीं पाए तो अब किसानों को लगातार झूठ बोलने में जुट गए। आजकल ये लोग एमएसपी को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। भाइयों और बहनों, ये एनडीए की ही सरकार है जिसने किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने की सिफारिश लागू की थी। ये एनडीए की ही सरकार है जिसने सरकारी खरीद केंद्र बनाने और सरकारी खरीद दोनों पर बहुत जोर दिया। जब ये लोग सरकार में थे उसकी तुलना में बिहार में ही, मैं उनकी पुरानी सरकारें और नीतीश जी की सरकार की तुलना करता हूं, बिहार में ही धान की सरकारी खरीद 4 गुना और गेहूं की सरकारी खरीद 5 गुना बढ़ी है। साथियों, इनके पास आज तक इसका जवाब नहीं है कि जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी पर फैसला क्यों नहीं लिया, क्यों इन लोगों के समय में किसानों से इतना कम अनाज खरीदा जाता था, क्यों इन लोगों ने किसानों की, बिहार के किसानों की परवाह नहीं की। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को दोबारा मुख्यमंत्री का संकल्प ले चुकी है। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं कि एनडीए को फिर जिताना जरूरी है। जरूरी इसलिए है ताकि बिहार प्रगति के जिस पथ पर चल रहा है उसकी गति और तेज हो। जरूरी इसलिए है ताकि देश को सशक्त करने के लिए जो फैसले लिए गए हैं वो बिहार में भी तेजी से लागू हो, वरना एनडीए के विरोध में आज जो लोग खड़े हैं वो देश हित के हर फैसले का विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला हो ये लोग विरोध कर रहे हैं। 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नए अधिकार देना हो ये लोग विरोध कर रहे हैं। भारत की जांबाज सेना आतंकियों पर कोई कार्रवाई करे, सरहद पर तिरंगे की शान बढ़ाए ये लोग विरोध में हैं। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने को कहे ये लोग उसका भी विरोध करते हैं।
राष्ट्रहित में कोई भी कुछ भी फैसला ले, ये लोग विरोध में है। हमेशा विरोध में रहने वाले ये लोग बिहार को विकास नहीं, बर्बादी के पुराने रास्ते पर ही ले जाएंगे। और वहीं चीन का मुद्दा फिर बिहार चुनाव में आज आया। वहीं राहुल गांधी ने जब अपने जनसभा कर रहे थे, राहुल गांधी ने कहा कि देश की सरकार ने आप पे दो कुल्हाड़ी मारी, पहली नोटबंदी और दूसरी जीएसटी। वहीं राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि चीन जो भारत की सीमा में है, मोदी जी उसको चीन की सीमा से, भारत की भूमि से चीन की सीमा को आप कब भगाओगे। वहीं राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते। दोनों नेताओं ने बहुत बड़े शब्द लिखाए थे, नोटबंदी, जीएसटी, दोनों ने बिहार को और हिंदुस्तान को बदलने की बात की, मगर उन्होंने आपको यह नहीं बताया कि कैसे बदलेंगे, किस प्रकार बदलेंगे और जो नया हिंदुस्तान बनेगा वो कैसा होगा। आपने सोचा रोजगार वाला हिंदुस्तान, किसानों को आजादी देने वाला हिंदुस्तान, युवाओं को शिक्षा देने वाला हिंदुस्तान, बीमारों को स्वास्थ्य देने वाला हिंदुस्तान, अभी आपने सोचा? शायद आप ये सपना नहीं देख सकते थे कि नरेंद्र मोदी और नीतीश जी मिलकर बिहार में और हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं। आज मैं आपको दो तीन उदाहरण देना चाहता हूं। कोरोना का समय, बीमारी फैल रही है, पूरा हिंदुस्तान घबराया हुआ है। नरेंद्र मोदी आते कहते हैं, भाइयों और बहनों 22 दिन की लड़ाई है, 22 दिन में हिंदुस्तान कोरोना को मिटा देगा। मैं फरवरी से कह रहा हूं कि कोरोना से हिंदुस्तान को, गरीब लोगों को। और वहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आरजेडी पर भी निशाना साधा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार को अब लालटेन की जरूरत नहीं है। चलिए अब तेजस्वी यादव बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको छोड़ के चलता हूं आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जहां तेजस्वी यादव आरजेडी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।